एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा है आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल, वो राजमा चावल जिसे हर नॉर्थ इंडियन ने चखा होगा, और ये हमारे घर में किस तरह से बनाई जाती है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। आशा है आप इसे पसंद भी करेंगे और अपना बहुत ही मूल्यवान फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू की जाए आज की रेसिपी राजमा मसाला। ये जो छोटे डार्क कलर के राजमा होते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो हमें राजमा मसाला बनाने के लिए ऐसे छोटे और डार्क कलर के राजमा लेने चाहिए। इसे अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगो कर रखना है। दोपहर को लंच में बनाना हो तो रात में ही हमें इसे भिगो देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। रात भर भिगो के रखने से देखिए कितने अच्छी तरह से भीग गए। अब ये पकेंगे भी अच्छे होंगे। और ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये पानी को हमें इस्तेमाल करना है कुक करने के लिए। एक कप राजमा के लिए हमें 5 कप पानी डालेंगे यहाँ उबलने के लिए। तो जो अपना पानी है ना, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमें इसकी 5 से 6 सीटी देना है। ढाई सौ ग्राम राजमा के लिए यहाँ पे 4 अच्छे लाल टमाटर और अपने जो प्याज है छोटे छोटे हैं ज़रा 6 ले लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया। अब इनको मैं जितना बारीक आप काट सकते उतना बारीक हमें काटना है। तो मैं इसे इसकी पेस्ट नहीं बनाऊंगी, इसे बहुत ही फाइन चॉप करूंगी और इसकी मैं पेस्ट बना लूंगी राजमा के लिए। छोटा टुकड़ा दालचीनी का, जीरा, ब्लैक पेपर और अपनी हरी इलायची, इसको मैं मिक्सर में पीस लूंगी। अपना खुशबूदार होममेड मसाला तैयार है। इसे आप बना के रख सकते हैं पाउडर को एक बॉटल में। कोई सब्जी में डालने से ना स्वाद बढ़ जाता है, स्पेशली ग्रेवी वाली सब्जी में है ना। ऐसे ताजे घर के पिसे हुए मसाले थोड़े डाल दो ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लग आता है उस सब्जी को। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे ऐसी अंदाज से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तेल कर सकते हैं। ये देखिए अपना राजमा अच्छी तरह से पक चुका है। ये गरम हो चुका है, अब उसमें हम डालेंगे जीरा, तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची। इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। इसी तरह इसे ढक के हम थोड़ी देर गैस को बंद कर देना और ढक के रख देना। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के फिर से गैस को मैं ऑन करूंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब इसमें अपनी एकदम बारीक कटी हुई प्याज है, देखिए मैंने प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लिया है और इसे हम अब तेल में छोड़ेंगे। दोनों का अपना फ्लेवर अलग अलग होता है, अगर आप पेस्ट करके बनाएंगे या काट के प्याज को बनाएंगे तो दोनों ही अपना अपना अलग अलग फ्लेवर देगा, पर इस तरह से आप बनाओगे काट के तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। पीस के भी अच्छी बनती है, ऐसी बुरी नहीं लगती है वो जब हम प्याज को पीस लेते हैं। तो अब दोनों तरीके से बना के देखिए कि आपको ज़्यादा कौन सी पसंद आती है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एक आप इस तरह से बनाइए काट के, एक बार पेस्ट करके और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया। अब इसे थोड़ा गैस को हम तेज कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को हम। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, हम यहाँ पर टमाटो की प्यूरी बना लेंगे। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है उसमें। अब उसमें हम अदरक, लहसुन और ग्रीन चिल्ली उसका पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से इसे पका लेंगे।
लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो निकल जानी चाहिए, इसे पकाना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से। और ये जो है ना बड़ी इलायची एक ही डालना होता है, बहुत स्ट्रांग होता है उसका फ्लेवर ना, एक से ज़्यादा नहीं डालना होता उससे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो दो डाल दीजिए। और अब धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ये अपने स्वाद अनुसार आप मिर्च की पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने एक बड़ा स्पून लिया है। अब उसी में हम डाल देंगे अपना घर में बना हुआ होममेड मसाला। अब इसमें जो टमाटो प्यूरी जो मैंने बनाई थी वो डाल देंगे, 4 टमाटो की। सबको अच्छी तरह मिक्स करके पका लेना है। अब इसे ढक कर हम अच्छी तरह से पका लेंगे। बीच बीच में इसे हम चेक करते जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। साइड से देखिए ये तेल छोड़ने लगा है। ये अब टाइम आ चुका है इसमें राजमा छोड़ने का। धीरे धीरे हम इसमें अपना पूरा राजमा छोड़ देंगे। मिक्स करके इसे नमक अपने स्वाद अनुसार, पहले भी हमने बॉईल करते समय डाला था और जो मेरी पेस्ट होती है ना जिंजर गार्लिक की उसमें भी नमक होता है, तो इतना नमक मेरे लिए काफी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें जरूर डालिए नमक। अब इसे मिक्स करके बिल्कुल धीमी आंच में ताकि वो सारे फ्लेवर अंदर तक पहुंच जाए, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा हम लोग को। और इसे धीमी आंच में धीरे धीरे, कम से कम मैं इसे ना एक 10 मिनट तक छोड़ दूंगी इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में, ताकि फ्लेवर जो सारे मसालों का ना अंदर तक चला जाए उसमें। चलिए खोल के देखते हैं, अपने 10 मिनट हो चुके हैं, क्या हाल है अपने राजमा का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इसका ग्रेवी, इसकी ऐसी गाढ़ी ग्रेवी होनी चाहिए, पतली ग्रेवी नहीं करना है इसको, जो तो टेस्ट नहीं आएगा। ऐसी क्रीमी और गाढ़ी ग्रेवी होगी ना, ये देखिए इसे, तो ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। ऐसी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी, देखिए इसे। अपनी राजमा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक तड़का देंगे, वो बहुत ज़रूरी है वो तड़का देना घी का। इस पर यहाँ हमें घी लेना है, कोई भी घी ले सकते हैं। 2 चम्मच घी लेना है, थोड़ी हींग उसमें और लाल मिर्च। मिक्स कर लीजिए लाल मिर्च को, राजमा के ऊपर इस तरह छोड़ देंगे। गैस बंद कर देना है। थोड़ा हरा धनिया, राजमा और छोले के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे लच्छेदार प्याज। उसमें थोड़ा बीट रूट डाल दिया है मैंने काट के, नमक, अपना चाट मसाला, थोड़ा नींबू, और इसे अच्छी तरह से हाथ से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा हरा धनिया, देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। और इसे चावल के साथ मिक्स करके खाने का जो बहुत ये कॉम्बिनेशन जो है ना राजमा चावल का, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए।